गुड मॉर्निंग एवरीवन. इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड दैट देयर कैन बी मोर देन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस और एल्स टू डिपेंडेंट सेंटेंसेस इन अ क्लॉज. और ये भी पढ़ा हमने कि क्लॉज किसे कहते हैं, ठीक है. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सात तरह के बेसिकली होते हैं. फैन बॉयज मैंने आपको ट्रिक भी दी. लाइकवाइज आज हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे पढ़ेंगे. ये कॉन्सेप्ट जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ये आपके पास होना ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सो यू नीड टू नेसेसरली नो द डिफरेंस बिटवीन द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो यहाँ कुछ प्रकार के हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ेंगे. पहला कंपैरिजन, जिसमें कि दैन, रादर दैन, वेदर, एस मच एस, वेयर एज आपको मिलेगा, जो कि कंपैरिजन का काम करते हैं. फिर टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा ये वर्ड्स आफ्टर. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटर्स. एज सून एज, अनटिल, वेन एवर, नाउ दैट. नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कंसेशन, दो, ऑल दो, इवन दो. फिर रिलेटिव प्रोनाउंस भी, हु, जो कि पर्सन के लिए यूज़ होता है, हुएवर, हुम, हुमेवर, हुज. रीज़न, बिकॉज, सिंस, सो दैट, इन ऑर्डर टू, एस. तो ये सारे जो हैं ये कंजंक्शंस हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है. क्यों जानना ज़रूरी है? जैसा कि मैंने बोला, एक ही सेंटेंसेस में आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्लॉज इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट के बारे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि क्या बोलते हैं. आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें प्रोनाउन होगा, या तो एक नाउन होगा मतलब सब्जेक्ट होगा, या तो एक वर्ब होगा. बट डिपेंडेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए आपको पहले कोऑर्डिनेटर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है. फिर आपको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है. तो ये कुछ सबऑर्डिनेटर्स हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो आज हम डील कर रहे हैं. और फैन बॉयज, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हम लोग लास्ट क्लास में डील कर चुके हैं. तो आते हैं, ये हो गया कंडीशन, इफ, ओनली इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट. फिर प्लेस, तो किस कंजंक्शन से पता चलेगा, वेयर, वेयर एवर. रिलेटिव एडजेक्टिव्स, दैट, वॉट एवर, विच, विच एवर. फिर लास्ट हो गया मैनर, हाउ, एज दो, एज. सो ये थे हमारे टोटल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो आपको जानना ज़रूरी है. नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. तो वही बात हो गई जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. एक हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं और जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं. तो किसी भी नाम से ये जाना जा सकता है. तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, वो खुद में एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज. जैसे ही इज़ अ वाइस मैन, ही एक प्रोनाउन है और इज़ यहाँ पे वर्ब है, ठीक है. तो जिसमें कि वैसे सेंटेंस जिसमें आपका सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसे ही बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और जो मीनिंग बनाता हूँ. सेकंड, एलेक्स, एलेक्स नाम है, स्माइल्स व्हेनेवर ही सीज हर. यू कैन सी दैट देयर इज अ सब्जेक्ट ओवर हियर एंड देन देयर इज अ वर्ब. सो दिस कंप्लीट पार्ट इज योर प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है. रेस्ट पार्ट आप देख सकते हैं, व्हेनेवर ही सीज हर, कब, व्हेनेवर. तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. आपको ऑलरेडी मैंने ट्रिक दे दिया है कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे याद रखेंगे. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अलावा जितने भी कंजंक्शंस मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताए, जो कि ये हैं, ठीक है ना, ये सारे हो गए आपका क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है जिसमें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया गया है. तो जहाँ आप देख लेंगे कि वहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया, तो ये जो सारा रेस्ट पार्ट है ना, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये खुद में कंप्लीट सेंटेंस है. एलेक्स स्माइल्स, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, ठीक है. लेकिन ये वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, ये शुरू हो रहा है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है. तो ये आपका जो होता है डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वही पढ़ेंगे.
तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज आर द क्लॉजेस दैट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट दैट अनफिनिश्ड, ओके, दैट रिमेन्स अनफिनिश्ड. तो उसके थॉट को कंप्लीट करने के लिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज की आइडिया कंप्लीट हो इसके लिए इसे ऐड किया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में, ठीक है ना. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्यों सबऑर्डिनेट क्लॉज? क्योंकि इस पर जो है इस क्लॉज में डिपेंडेंट क्लॉज में इसमें आपका ऐड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है. और जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हम लोग जोड़ते हैं तो वहाँ पे ऐड होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है. और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको हमेशा दो एक इंडिपेंडेंट या दो डिपेंडेंट या एक इंडिपेंडेंट एक मतलब मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज या मोर देन क्या बोलते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लॉज भी ऐड हो सकते हैं सेंटेंस में. तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमेशा याद रखेंगे कि फैन बॉयज ऐड होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करने के लिए, और एक डिपेंडेंट या मोर देन क्या बोलते हैं टू डिपेंडेंट क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में ऐड करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड होता है. जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई वॉज डेटिंग डायना आई हैड एन एक्सीडेंट, ठीक है. When I was dating Diana, I had an accident. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे when लगा है तो ये time बता रहा है और ये subordinating conjunction है. तो ये पूरा जो clause है ये subordinating clause होगा क्योंकि एक subordinating conjunction से शुरू है. और ये वाला part आप देखिएगा, I had an accident, इसमें I subject हो गया और had an accident ये predicate हो गया. तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया और ये जो पार्ट है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू है ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है. बात समझ में आई? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो खुद में पूर्ण है, ओके, विच गिव्स इट्स कंप्लीट मीनिंग, वहाँ पे आपका होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और जहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ होता है वो होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. नेक्स्ट चलेंगे, आई नो Then man, the man, actually होना चाहिए the, ठीक है. I know the man who stole the watch. अब देखिए, I know the man who stole the watch. तो यहाँ पे who जो है किसके बारे बता रहा है? वो man के बारे बता रहा है कि नहीं? तो ये जो who है जो ये subordinating conjunction का काम कर रहा है, ठीक है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो जहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाए वो जो रेस्ट पार्ट हो जाता है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाता है या उसे डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. तो ये हो गया आपका हु से लेकर के वॉच तक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. आई नो द मैन कंप्लीट सेंटेंस है तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज. इतनी सी बात, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो. यही रीज़न था कि मैंने आपको डिफरेंस बताया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट है और कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट है.